व्हीकल चेकिंग के दौरान एक अपराधी मिला है हमें। बेसिकली हम लोग अपराधियों की धरपकड़ और ख़ास तौर से जो इस मध्य में चैन स्नैचिंग की घटनाएं चल रही थी, इस जगह पर हमारी टीम को देख करके ये जो अपराधी हैं ये भागे हैं। टीम को देख करके भागने के बाद ये गए हैं लेफ्ट साइड में, अंदर लिए हैं, अंदर इनको रास्ता नहीं मिला है, फिर वापस आए हैं। वापस आते समय पुलिस टीम को डाउट हुआ है, पुलिस टीम के ऊपर उन्होंने फिर फायरिंग करने की कोशिश करी है, फिर फायरिंग करी है। उसी के क्रम में पुलिस ने जो बचावच जो जवाबी कार्रवाई करी है उसमें ये घायल हुए हैं। संगम नगरी प्रयागराज के यमुना पार इलाके में पुलिस को चेकिंग के दौरान बड़ी कामयाबी हाथ लगी। पुलिस ने मुठभेड़ में एक बदमाश को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए बदमाश के पास से पुलिस ने तमंचा और कारतूस भी बरामद किया है। बताया जा रहा है कि नैनी थाना क्षेत्र के DPS स्कूल के पास पुलिस की टीम गाड़ियों की चेकिंग कर रही थी। इसी दौरान पुलिस ने बदमाश को रोकने की कोशिश की तो उसने पुलिस की टीम पर फायरिंग कर दी। जवाबी फायरिंग में पुलिस की गोली बदमाश को लग गई, जिसके बाद बदमाश घायल होकर वहीं गिर गया। पुलिस ने तुरंत घायल बदमाश को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया। SSP सर्वश्रेष्ठ त्रिपाठी ने कहा कि अपराधी से पूछताछ की जा रही है और इसके अन्य सदस्यों के बारे में भी पूछताछ कर उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। आज यहां पर देवरख तिराहे के पास में व्हीकल चेकिंग के दौरान एक अपराधी मिला है हमें। बेसिकली हम लोग अपराधियों की धरपकड़ और ख़ास तौर से जो इस मध्य में चैन स्नैचिंग की घटनाएं चल रही थी उसको रोकने के लिए प्रयासरत थे। अलग अलग जगहों पर चेकिंग चल रही है इसी के क्रम में, और यहाँ पर आउटस्कर्ट्स पर आप जानते हैं कि जहाँ पर संभावनाएं रहती हैं यहाँ पर हमारी रेगुलर चेकिंग होती है। इस जगह पर हमारी टीम को देख करके ये जो अपराधी हैं ये भागे हैं। टीम को देख करके भागने के बाद ये गए हैं लेफ्ट साइड में, अंदर लिए हैं, अंदर इनको रास्ता नहीं मिला है, फिर वापस आए हैं। वापस आते समय पुलिस टीम को डाउट हुआ है, पुलिस टीम के ऊपर उन्होंने फिर फायरिंग करने की कोशिश करी है, फिर फायरिंग करी है। उसी के क्रम में पुलिस ने जो बचावच जो जवाबी कार्रवाई करी है उसमें ये घायल हुए हैं। इनका नाम अभिनव शर्मा है। इनके गाड़ी पर स्कूटी है जिस पर डिफेंस लगा हुआ है, और बताया जा रहा है जैसा कि प्राथमिक तौर पर बताया गया कि उन्होंने बताया है कि ये इसके पहले कई सारी चैन स्नैचिंग कर चुके हैं। आगे की पूछताछ और किसके साथ किए हैं ये सब बाद में की जाएगी, और आगे अभी इनको हॉस्पिटल भेज दिया गया है प्राथमिक उपचार के लिए, और इसी के अनुरूप न्यायिक कार्रवाई की जाएगी। ठीक है, कहाँ के रहने वाले? आपको बता दें कि शातिर बदमाश चैन स्नैचिंग की कई वारदातों में शामिल रहा है। फिलहाल पुलिस ने आरोपी बदमाश के खिलाफ मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। प्रयागराज से सैयद रजा की रिपोर्ट।